गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ साइंस। इस वीडियो में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। फैराडे ने नॉर्मली मतलब मेनली हम लोग कहेंगे दो लॉज दिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ की। तो फैराडेज जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो भी वेट डिपॉजिट होगा, क्योंकि हम लोग बात करेंगे, अगर मैं आप लोगों को रफली हल्का सा बताऊँ तो आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ याद होना चाहिए कि हम लोगों ने आपको जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाई थी तो ऐसा कुछ जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है एंड ऑल दैट, कुछ इस टाइप की चीज़। तो आपको ये भी चीज़ बताई गई थी बेटा कि एक जो इलेक्ट्रोड होती है वो उसमें से वेट जो है वो कम होता जाता है या फिर वो जो है पतला होता जाता है, दूसरा जो है जबकि मोटा होता जाता है। तो दैट मीन्स एक से वेट लॉस, एक तो जो है वेट को लूज़ करेगी और एक जो है वो वेट को गेन करेगी। तो जो भी वेट में जो भी डिफरेंस आएगा, तो हम लोग यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो भी वेट जो होगा वो जो है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो चार्ज जो है अगर हम लोग बात करेंगे तो आई टी, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू आई टी, कोई फर्क नहीं है। डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट यूज किया गया है जेड, जिसको कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू है मोलर मास अपॉन एन एफ। मेरे ख्याल से किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर एम मीन्स मोलर मास, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड एफ इज फैराडेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जो आई है वो करंट है और टी जो है वो टाइम है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ये फैराडेज कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू आप सभी को पता है, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जो होगा वो होगा एम एम अपॉन एन एफ आई टी। इस पर बेस्ड बेटा एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि आपको टाइम जो है वो 10 मिनट दे रखा है और आई जो है आपको कहा गया कि उस सेल में जो है वो करंट जो है वो 1.5 एम्पियर जो है वो पास आउट कराया गया है। आपको वेट भी बताना है कि वेट जो डिफरेंस होगा या फिर वेट जो डिपॉजिटेड होगा वो कितना होगा। आपको जो है CuSO4 के लिए ऐसा पूछा गया है। तो CuSO4 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम पहले इसको आयनिक में कन्वर्ट करेंगे, तो Cu डबल पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं SO4 पर डबल नेगेटिव, तो Cu पर कितना डबल पॉजिटिव, वो किस में कन्वर्ट होगा Cu में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है गेन कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो दैट मीन्स n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। हम लोग जानते हैं कि t की वैल्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। मोलर मास ऑफ कॉपर हम लोगों को पता है कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं W इज इक्वल टू एम एम अपॉन एन एफ आई टी। ये लोग हम लोग जानते हैं बाय फैराडेज फर्स्ट लॉ, आपने वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करने के बाद में आपके पास सीधे सीधे जो भी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा वो। अब आप लोगों को मैं यहाँ पर चॉइस देती हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चाहें आप चाहें तो कैलकुलेशन लॉग टेबल के थ्रू कर सकते हैं, लॉग एंटी लॉग के थ्रू, अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा भी आप लोग चाहें। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 16 है, जहाँ पर आपसे कहा गया है कि तीन जो है सेल्स हैं जिनका नाम जो है वो ABC रखा गया है और उन तीनों ही सेल्स को कनेक्ट किया गया है सीरीज में। ए जो सेल है उसमें ZnSO4 भरा गया है, बी में AgNO3 और सी में जो है वो कॉपर सल्फेट भरा गया है। आपसे कहा गया है कि इसमें जो है जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो इसमें करंट पास कराया गया जो कि 1.5 एम्पियर था। तो आप लोग जानते हैं कि सीरीज में अगर करंट पास कराया जाता है तो सीरीज में करंट जो है वो सेम रहता है, और करंट जो है वो तब तक पास कराया गया जब तक कि बी में जो है वो 1.45 ग्राम AG जो है वो डिपॉजिट नहीं हो गया। आपसे पूछा गया है कि ए पर जो है वेट ऑफ आपसे जिंक पूछा गया है, सी पर वेट ऑफ Cu पूछा गया, और आपसे पूछा गया है कि उतने टाइम में, मींस वो जो टाइम होगा वो कितना टाइम होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सेल बी के लिए, क्योंकि AgNO3 है तो दैट मीन्स AG पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है AG में, n की वैल्यू 1, W इज इक्वल टू ZiT और Z की जगह पर हम लोगों ने रखा MM अपॉन NF। तो यहाँ से हम लोग जो है T की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और जब T की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तब हम लोग जो है दूसरे सेल के लिए जाएंगे कि सेल ए के लिए, दैट मीन्स ZnSO4 के लिए हम लोगों ने n की वैल्यू निकाली। जो t की वैल्यू हम लोगों ने पहले केस से निकाली वो t की वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर रख देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि जिंक जो है वो कितना है। और इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे फोर सेल सी की, सी दैट मीन्स जो भी हम लोगों ने t की वैल्यू ऊपर से निकाली थी उस t की वैल्यू को इस बार हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, दैट मीन्स W इज इक्वल टू MM अपॉन NF IT। ठीक है, और यहाँ से भी हम लोग जो है वो वेट जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करेंगे फैराडेज के सेकेंड लॉ की। फैराडे का सेकेंड लॉ अगर मैं आपको बिल्कुल एक शब्द में बताऊँ तो फैराडे का सेकेंड लॉ जो है वो ये कहता है कि जो वेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट की। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि W
इज इक्वल टू के, कोई भी कॉन्स्टेंट है इज इक्वल ये ई, या फिर मैं इस तरीके से कहूँ, या मैं ये कहूँ कि के इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन ई वन, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से के इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन ई टू होगा। तो यहाँ पर फैराडे का सेकंड लॉ जो है वो यही है, डब्ल्यू वन अपॉन ई वन इज इक्वल टू डब्ल्यू टू अपॉन ई टू। हालांकि मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ बुक्स जो हैं, जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनको फैराडे के सेकंड लॉ से भी कराती हैं, बट मैं फैराडे के फर्स्ट लॉ को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे आपका मन है, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड बेटा जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और जहाँ पर दिक्कत आए वो पूछ लीजिए। थैंक यू।